Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn about short trick for solving quadratic equation. Quadratic equation go only for 3 steps to solve them. When the equation is solved by factorization method, is sirf jab factorization method se pure equation ko solve kar sakte tab iska use karenge. So let's start. यहाँ पर पहला इक्वेशन है 21x² - 11x - 6 = 0. ओके, तो सबसे पहले 21 और 6 के फैक्टर्स निकाल के 11 लगाए. सो देखेंगे 7 × 3 × 6 = 0. सॉरी 7 × 3 × 3 × 2 क्या होगा? 3 × 3 = 9. 18 minus 7 will be 11. Okay, so यहाँ पर factors क्या बनेंगे? -18 और +7. आपको x वैक्स लिखना नहीं है, directly answer आएगा. directly answer कैसे आएगा? See that -18 और 7 factors हुए. उसके बाद हमें क्या करना है? इन दोनों की sign change करनी है. minus है तो हो जाएगा plus, it will become minus. Okay. Then the next step will be x square का जो coefficient है, क्या x square का जो coefficient है वो इन दोनों को divide करेगा. So doing that, 18 upon 21 - 7 upon 21. So ये दोनों 3 से divide हो गए, 3 6 3 7 1 3. So आपका solution means इस equation के दो zeros क्या हो गए? First one is 6 upon 7, second is -1 upon 3. इस टाइप के इक्वेशन जब आपको दिए हो और आपको बोला हो फाइंड द जीरोस, ये 1 marks में आपको पूछ सकते हैं, ऑप्शनल में, MCQs में या तो फिल द ब्लैंक्स में. एंड दिस मेथड इज आल्सो यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू फेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो. एंड द सेकेंड क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3x² - 17x - 28. सो फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 × 7 × 4. ओके, 3 × 7 × 4, वी हैव टू मेक -70. क्या वी हैव टू मेक -70? कैसे बनेगा? 7 × 3 = 21 - 4 = 17. सो आगे क्या होगा? -21 और फैक्टर आगे पिछवाड़े की साइन और छोटा फैक्टर पीछे, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस. वाई लास्ट टर्म इज माइनस, सो वी हैव टू डू हियर सबट्रैक्शन. नाउ हम क्या करेंगे? इन दोनों की साइन चेंज करते हैं. ये है -21 तो हो जाएगा +21, ये है +4 तो हो जाएगा -4. ओके, सो नाउ अब हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो इन दोनों के नीचे रखेंगे. It will become denominator, means divide करेंगे 21 upon 3 minus 4 upon 3. Okay, 7. Answers are, or the solution of this quadratic equation or zeros of this quadratic equation is 7 and minus 4 upon 3. Okay, now going to the question number 2. 2x² + 5x - 12. So यहाँ पर ये लास्ट में माइनस है तो बीच में क्या होगा? सबट्रैक्शन. चारों सम सबट्रैक्शन के ही है. लेट्स सी, 2 × 12 5 × 4 और 12 × 24, वी हैव टू सी हियर क्या होगा फाइव लाना है. कैसे लाएंगे? 6 × 2 × 2 और 3 × 2 × 2 × 2 8 3 = 8 - 3 = क्या हो जाएगा 5. सो व्हाट वी आर कीपिंग हियर 8 एंड वी आर टू डू हियर सबट्रैक्शन. सो 8 - 3. नाउ हम क्या करेंगे? इन दोनों के साइन चेंज. 8 इज प्लस बिकम माइनस, दिस इज माइनस इट बिकम प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस. अब x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से इस दोनों को डिवाइड करेंगे. -8 upon 2 3 upon 2. 2 4s are means it will become -4, 3 upon 2.
ओके देन व्हाट कम्स 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. थ्री सम्स के हमने सॉल्यूशंस निकाल दिए हैं, थ्री सम्स के हमको 0 से मिल गया है. लास्ट सम इज हियर 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. 10 × 2 क्या हो जाएगा 20. ये माइनस से बीच में सबट्रैक्शन ला के 1 करना है. सो व्हाट वी विल डू 5 × 4 = 20. सो यहां पर पहला टर्म 5 कैसा आएगा माइनस और 4 हो जाएगा प्लस y. लास्ट टर्म इज माइनस सो वी आर डूइंग सबट्रैक्शन. माइनस 5 प्लस 4 विल बी माइनस 1. अब हम क्या करेंगे इन दोनों के साइन चेंज. 4 5 5 विल बी प्लस और विल बी माइनस. देन व्हाट वी आर डूइंग x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है इन दोनों को डिवाइड करेगा. 5/10 माइनस 4/10. ओके सो नाउ 5 1 2 2 2 5. ओके सो 1/2 एंड माइनस 2/5 आर द टू सॉल्यूशंस और जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो व्हाट वी आर डूइंग इस टाइप के सम्स अगर हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं, हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस मेथड से सॉल्व करते हैं सो वी विल बी एबल टू सॉल्व फैक्टराइज्ड बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी इजीली एंड क्विकली. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद इंस्टीट्यूट. थैंक यू.